अरे तीसरे ऑर्डर की बारी है, पर क्या है कि भूख हम लोगों को भी बहुत जोर जोर से लगने लगी है। आपको लग रही है क्या भैया? हाँ मैम लग रही है ना। एक करूँ मैं चाय, वो करूँ मेरी मर्जी। आज तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा है भाई। ठीक है, किसी और की ड्रेस लेके, किसी और का काम लेके, और मैं करे जा रही हूँ मजे में। और गिर गया तो फिर रुक के उतारना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, इज्जत का बाजी रही हूँ। कहाँ से आ रहे हैं इनके दिमाग में वो तरंगी आइडियाज, और मेरे को तो समझ में नहीं आ रही बिल्कुल ही। कॉस्ट्यूम देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा जो चैलेंज है वो कम्प्लीटली कुछ अलग ही है भाई। मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये जो अतरंगी आइडियाज़ है ना, ये मेरे चैनल वालों के दिमाग में कौन डाल के जा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डेली जैसे ही मैं आती हूँ शूट के लिए, ये मुझे कुछ अलग ही नया बता देते हैं कि आज तो तुमको ये करना है। और मेरा होता कि अच्छा मना भी नहीं कर सकते हैं, चलो कर लेंगे, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो आज मेरे को ये पहना दिया इन्होंने जोमेटो की कॉस्ट्यूम, और मुझे जाना है डिलीवरी करने के लिए। जैसे डिलीवरी बॉयज जाते हैं, तो आज मैं बनी हूँ जोमेटो डिलीवरी गर्ल, और मैं पैकेजेस ले लेके, मतलब ऑर्डर्स ले लेके जाऊँगी और सबके घर में डोर टू डोर डिलीवरी करूँगी। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली नया एक्सपीरियंस है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो देखते हैं कि क्या ज़िंदगी रहती होगी जोमेटो वाले भैया और दीदी लोगों की। तो अब हम पहुंच गए हैं सबवे, और सबवे से हम उठाएंगे ऑर्डर, और उसके बाद फिर, अरे भाई, उसके बाद फिर देने जाएंगे। मैं थोड़ी सी नई हूँ ना अभी, तो अभी मेरे को धीरे धीरे लगेगा ट्रेंड होने में, है ना। ऑर्डर आईडी है अपनी 3102। आओ चलो, 3102 ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर हमें रेडी मिला है, बिल नंबर ये है, अर्पित नेम तो है अर्पिता दागा, ये है B903 हाईलैंड पार्क लोखंड वाला अंधेरी वेस्ट। ओके, B903 हाईलैंड पार्क का हमको ऑर्डर मिला है, चलो हाईलैंड पार्क चलते हैं। डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, इतना सारा वो काम करते हैं और उसके हिसाब से उनको वेजेस काफ़ी कम मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पूरे दिन सुबह से शाम तक इधर से ऑर्डर उठाओ उधर डालो, और धूप में यार, धूप में मैं तो पता है कपड़े उठाने भी नहीं जाती हूँ बाहर तार से धूप, क्योंकि धूप होती है टैनिंग हो जाएगी इसलिए। बाकी तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसे मजमा कसका है मजमा। पहुँच गए हैं हम हाईलैंड पार्क, और अब हम ऑर्डर देने जाएंगे अंदर। तो अरे कहाँ से खुलता है, अच्छा तो ये हमारा ऑर्डर है और अब हम ऑर्डर देने जाएंगे। चलो ऑर्डर लेने के लिए पहुँच गई हूँ, और ऑर्डर है 2 मौसम्बी जूस है और 2 वाटरमेलन जूस है, और मेरी ऑर्डर आईडी है 7992। तो आओ चलो ऑर्डर लेते हैं। मौसम्बी जूस है, 2 वाटरमेलन, यही है दिस वन। तो ऑर्डर जो है वो ले लिया है, और अब चल, और मेरे ना हिम्मत नहीं बची यार बोलने की, यार बहुत मेहनत कर ली है सुबह से, चलो यार। लेकिन आप लोग पूरा देखते रहना, मेरा पूरा वीडियो देखो ठीक है, उसके बाद लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करो ठीक है, उसके बाद जाना, ऐसे नहीं चलते बने। हाँ तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मैं तो चैलेंज लेकर आई हूँ ना। तुम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे अपना नेक्स्ट ऑर्डर देने के लिए। फाइनली मैं ये ऑर्डर भी देकर आ गई हूँ, और वो जो आंटी थी जिनकी मैं डिलीवरी करने के आई हूँ, बड़ी अजीब सी आंटी थी वो, पता नहीं क्यों गुस्से में थी, मे बी शायद उनके हस्बैंड से उनकी लड़ाई हो गई हो, आई डोंट नो, लेकिन वो मुझ पर बहुत अजीब तरीके से, इतना टाइम लगा दिया आपने, और बहुत चिल्लाई, और फिर मैंने बोला कि सॉरी मैम, सॉरी एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था, ऐसे बोलना पड़ा, और उसके बाद फिर मैं आ गई, बट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मतलब ये आप समझ रहे हैं ना कि कितनी आप लोगों को गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, 4 ताने भी सुनने पड़ते हैं, और फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कॉल करते हैं कि अरे जोमेटो वाले भैया कहाँ पहुँच गए, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए, अच्छा सुनो सुनो वो रास्ते में दुकान पड़ेगी ना, वहाँ से आप दही भी उठा के ले आना, या वहाँ से कुछ और भी उठा के ले आना। तो मतलब हम अपना काम तो वो करते ही हैं, हम मतलब जोमेटो वाले अपना काम तो करते ही हैं, और साथ ही साथ उनके 4 ऑर्डर्स और उठा कर लेके आते हैं कि भैया ये भी उठा लाओ रास्ते से, वो भी उठा लाओ, तो ये काम भी हमको करने पड़ते हैं। पर खैर कोई बात नहीं है, कैसे सुबह से अभी 14वां ऑर्डर है। 14वां ऑर्डर है, हाँ जी। अरे भाई मैं तो 5 ऑर्डर मार के सोच रही हूँ, मैंने कितना सारा काम कर लिया मैंने। अरे तो फिर आप एक दिन में कितने ऑर्डर मार लेते हो? मैडम वो हम लोग का टारगेट है, पुराना जूना आइडिया है, तो 22-25-27 ऑर्डर है। 22 25
सुबह 9 बजे से। और शाम में कितने बजे तक? 11-12 बजे तक, रात तक। रात तक 11-12 बजे तक। और कितनी इनकम हो जाती है सुबह से शाम तक? कोई 1500-1600। मुझे ये टास्क मिला है कि मुझको पूरा एक दिन डिलीवरी गर्ल बन के रहना है, तो मेरे 5 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर बताओ उस हिसाब से कैसा, मतलब मेरा परफॉर्मेंस कैसा है? मतलब आप कितने सुबह से काम कर रहे हैं? हाँ, 5 ऑर्डर। अच्छा होगा मैडम, और ऑर्डर मारेंगे मिलेगा। भैया कहना चाह रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत जोश में थी अब तक कि मैं तो 5 ऑर्डर कर लिए, बहुत मेहनत हो गई है। लेकिन भैया ने तो बोला कि तुम तो हमारे सामने न्यू कमर हो, ठीक है ना, कुछ किया दरअसल था नहीं तुमने, तो भैया तो बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं। चलो भैया थैंक यू, आएगा 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक हमें यहाँ पे वेट ही करना है। वैसे लड़कियों के लिए ना कोई सा भी जॉब करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, यहाँ इतने सारे मर्द हुए हैं, मैं इनमें घुस भी नहीं सकती हूँ अंदर। काम कर रहे हो और एक दिन में कितना कमा लेते हो? एक दिन में कभी 1000, पहले तो 1500 कमाते थे, 1800, अभी थोड़ा अर्निंग कम हो गया। अभी पैसा कम कर दिए ना कंपनी ने। अच्छा, अक्षय कुमार जो है ना वो डिलीवरी करने के लिए जाता है लोगों के घरों में, ठीक है, तो ये बताओ कब से कर रहे हो ये काम? मैं 6 महीने से कर रहा हूँ। 6 महीने से ये काम कर रहे हो? मैं तो आज से ही कर रही हूँ, और मैंने सुबह से ना 10 बजे से काम कर रही हूँ और 5 ऑर्डर कर लिए हैं कम्प्लीट। तो ये बताओ कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है? आपका तो बहुत स्लो चल रहा है अभी। मेरे पास तो 15 ऑर्डर हो गया है। भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने बोल दिया आपका बहुत स्लो चल रहा है। अपना ऑर्डर लेकर जाती हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, और उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स देने हैं, क्योंकि अभी भी लिफ्ट खराब है, क्योंकि ना मैंने 2 दबाया था और ये 6th पर लेकर चली गई, और उसके बाद फिर 2 दबाया तो 3rd पर लेकर चली गई, फिर 2 दबाया, फिर उसके बाद 2nd पर लेकर आई है, तो ये सब भी झेलना पड़ता है। एकदम से मुझे सरप्राइज मिल गया। थैंक यू। किसका बर्थडे है आज? मेरे छोटे भाई का। छोटे भाई का बर्थडे है, उसको हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कब केक कटिंग का जो सेरेमनी है वो कब रख रहे हैं आप? वो रात के समय में है। रात के समय में, तो मतलब रात में आना पड़ेगा क्या खाने के लिए? आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ऐसे जोमेटो वाली कोई लड़की आ रही है केक कटिंग सेरेमनी में, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, बस अपने ड्रेस में आ जाना। अपनी ड्रेस? जोमेटो के कॉस्ट्यूम में नहीं आने देंगे? नहीं कोई बात नहीं, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। कहाँ है भाई को बर्थडे विश कर देते हैं। तो डे टू यू, थैंक यू सो मच। और देखे आता हूँ, तब तक आप यहीं पे रहना, जाना मत कहीं, इंतजार करो मेरा, समझे? जाती हूँ मैं, टाड़ा। आ गया मेरे हाथ में ये आलू और बरी की सब्जी है, टमाटर की चटनी और 3 रोटियाँ हैं। खाना शुरू करते हैं। मेहनत करने के बाद जब हाथ में खाना आता है तो कितना अच्छा लगता है। खाना वाना मैंने सब खा लिया है, पेट पूजा हो गई है, अब बाकी आगे का काम करते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो हम पहुंच गए हैं कैफ़े सफ़र, तो नेक्स्ट ऑर्डर हमें लेना है कैफ़े सफ़र से। चलिए आ जाओ, थोड़ी मेहनत अब भी करो। पर यार ये एकदम पेंडुलम जैसा जो काम है ना, बिल्कुल कि खाना उठाओ देकर आओ, खाना उठाओ देकर आओ, बहुत ज़्यादा ही बोरियत भरा है भाई ये। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसमें कुछ मज़ा कुछ नयापन नहीं है, सुबह से यही कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ मेरे को पता नहीं है। वो कौन सी घड़ी थी मनहूस जिसमें मैंने ये चैलेंज ले लिया था? 300 रुपये का तो पेट्रोल ही चला जाता है उनका, 300 से ज़्यादा का। और भाई क्या हाल है तेरे? बढ़िया बढ़िया है। क्या कर रहा? कुछ नहीं, ऑर्डर मार रहा था। तो ऑर्डर कहाँ मार रहा था तू बैठा? 15 ऑर्डर मारे। 15 मार लिए तेने? अबे यार 5 घंटे में ही मारा 15, ज़्यादा दे रहे आज ऑर्डर, अच्छा है। अच्छा मैंने कितने, आज मेरा पहला दिन है, मैंने कितने मार लिए होंगे बताइयो? कितने बजे से काम कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 10 बजे से। 10-15 तुम्हारे लिए होगा। 10 बजे? अरे वैसे मैंने तो 6-7 ही मार पाई हूँ अभी तक, मेरा पहला दिन है ना।